कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन विपक्ष को और तेज कर दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। जिन दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीएम नीतीश विपक्षी एकजुटता के मिशन पर लगे हुए हैं। विपक्षी एकता का संदेश लेकर नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे। इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथ ही हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी, और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया, और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुंबई के मातोश्री में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने स्वागत किया।